गाइस आज हम बात करते हैं यार आज ब्रिटिश पैंट की, कि ब्रिटिश पैंट है कैसा और इसकी क्वालिटी क्या है, इसके अंदर फ्यूचर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास जो ब्रिटिश पैंट है, जैसे कि आप देख रहे हो ब्रिटिश पैंट ग्लैमर और एडवांस एंटी स्टैंड। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का ये अंदर का हमारा इंटीरियर इमल्सन। तो इस पैंट के जो फायदे हैं, जो हमारा जो इंटीरियर इमल्सन है ये अंदर लगता है, जो अंदर का जो घर का अंदर का इंटीरियर एरिया होता है, ये बाहर के लिए नहीं है। और इस पैंट में काफ़ी ज़्यादा खासियत है, एक दीवारों के अंदर क्रैक्स नहीं आने देता, दाग धब्बे पड़ जाते हैं तो उसको अच्छी तरह से वॉश कर सकते हो, और जो फंगस आती है और जो बैक्टीरिया वगैरह होता है वो उनको जमा नहीं होने देता। ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी खासियत दी गई है। अब देखते हैं इसकी फिनिशिंग की बात, क्या फिनिशिंग दीवार पे हमारी कैसी आती है। पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा ये ब्रिटिश पैंट और बहुत अच्छी क्वालिटी है। और कुछ पेंटर भाइयों ने हमारे पास रिक्वायरमेंट डाली कि यार ब्रिटिश की वीडियो बनाओ, हमें कुछ उसके बारे में समझाओ, इसके बारे में कि क्या क्या इसके फ्यूचर है और कैसे कैसे यूज होता है। तो आज मैं फिर ये आपको ग्लैमर आपको दिखाऊँगा दीवार पर, किसके अंदर कितनी साइन है और कितना अच्छा ये प्रोडक्ट है और कितनी इसकी फिनिशिंग है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा वाइट है, इसको हम पर्पल बनाएंगे एक स्टैंडर्ड कलर डाल के। तो वीडियो शुरू करते हैं, पहले हम इसके अंदर कलर डालेंगे पर्पल वाला। तो हम चालू करते हैं इसमें पानी डालना, आप शुरू करते हैं अपनी वीडियो, मतलब दीवार पे पेंट करना कि किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं हम। दीवार पे हमारी प्राइमर लग चुका है, पुट्टी हो चुकी है, सारा बेस तैयार है। अब इसकी फिनिशिंग की बारी है कि कैसी इसकी फिनिशिंग है। दोबारा बस दिखाता हूँ, ग्लैमर एडवांस एंटी स्टेन इंटीरियर वॉल्स, मतलब इंटीरियर मल्सन है ये अंदर के लिए, ठीक है जी। और उसको गलती से बाहर मत लगाना, सिर्फ अंदर के लिए होता है। तो अभी हम इसको मिलाने जा रहे हैं, इसके अंदर पहले हम कलर डालेंगे और ये करना हमने पर्पल। आप चाहे कलर कंप्यूटर के द्वारा भी बना सकते हो, ये मैं हाथ से बना रहा हूँ कलर। मेरे पास स्टैंडर्ड जो ये है पर्पल वाली, ये देखिए वॉलेट, ये है वॉलेट। अब इसको मैं मिला देता हूँ थोड़ा, और थोड़ा हमने डार्क रखनी है दीवार ये। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा लाइट लग रहा है ये, और हल्का सा थोड़ा सा और मिला देते हैं, थोड़ा या तो मिक्स करते हैं इसको और अभी। तो इसमें पर्पल हमने डाल दिया, पर्पल कलर बना लिया इसका। तो इसको हम डालते हैं ट्रे में अपनी, ये देखिए ट्रे में डाल दिया है। इसके अंदर एक ये टोकन भी निकलता है इसके अंदर, तो ये टोकन देखते हैं कितना इसका रेट है। ये 10 रुपये का टोकन है, हर डब्बे में आपको 10 रुपये का टोकन निकलेगा 1 लीटर के डब्बे में। पैंट के अंदर पानी भी बड़ा अच्छा खासा मिल गया है इसके अंदर, कुछ कम थी, मैंने इसमें 500 ग्राम आधा लीटर पानी डाला है, आधा लीटर इसके अंदर पानी डाला, आधा लीटर पानी को एब्जॉर्ब कर गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी जो कवरिंग है वो कवरिंग 140 फीट से और 160 फीट तक कवर करता है, और वो डिपेंड करता है आपकी दीवार के ऊपर। अगर दीवार का सरफेस अगर आपका ठीक है, दीवार का बेस सही है, तो 160 कवर आपका दो कोटों में 1 लीटर पैंट करेगा जो ब्रिटिश का है हमारा ये वाला। तो जैसे कि हमने अभी मटेरियल सारा बना लिया है अपना, और ये जैसे कि मैंने आपको शुरू में इसका नाम बताया था ग्लैमर एडवांस एंटी स्टैंड इंटीरियर इमल्सन। तो ये सिर्फ हमारा अंदर यूज होता है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, और बाहर मत लगा देना गलती से भी है। और इसकी जो कवरिंग है वो जो हमारी कवरिंग है 140 से 160 कवर करता है दो कोट में, तो 140 फीट या 160 फीट कवर करेगा दो कोटों में। अगर ऐसा ये बेस है हमारा जिस तरह का अभी आप देख रहे हो समूथ बेस है, और कहीं कहीं कोई खड्डा वगैरह कुछ नहीं है, अच्छा बेस है, नीचे प्राइमर लगा रखा है हमने, तो इस पर जो होगा वो कम से कम 150 से 160 तक कवर करेगा ये 100%।
और इसके अंदर जो पानी जो डालना है एक लीटर के अंदर 500 ग्राम या फिर हद से हद ज़्यादा से ज़्यादा अगर रूलर से चलाओगे तो 600 ग्राम तक आप इसके अंदर पानी डाल सकते हो। इससे ज़्यादा मत डालना वरना पतला हो जाएगा, या पतला अगर ज़्यादा डालोगे तो फिर ब्रश से चलाना पड़ेगा। मेरे पास ब्रश और रूलर दोनों है, तो अभी फिलहाल मैं जो मैं इसकी फिनिशिंग जो दूंगा वो दूंगा रूलर से, और जहाँ ब्रश की ज़रूरत होगी वहाँ पर ब्रश चलाऊंगा मैं। तो करते हैं शुरू हम अपनी वीडियो और इसकी बताते हैं आपको कैसी फिनिशिंग है और किस तरह से इसकी लुक है। करता हूँ कि इसकी जो 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 कवरिंग और जो इसकी हाइडिंग है, जो अंदर की जो कमियाँ छुपाता है हाइडिंग और कवरिंग, कवरिंग की तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप देख सकते हो कि पहले कोट में काफ़ी अच्छी इसकी कवरिंग आ रही है, मतलब इसको हाइडिंग आ रही है। हाइडिंग कवरिंग तो खैर वो जो होता है जो एरिया कवर करता है, हाइडिंग आ रही है कि नीचे का जो बेस है वो नज़र नहीं आ रहा है। पहले कोट में इतना कुछ इसके अंदर दिखाई दे रहा है मुझे, और आगे के लिए देखते हैं सूखने के बाद इसकी क्या क्वालिटी आती है निकल के, जैसे होगा वैसे आपके सामने आ जाएगा। और इसके अंदर जो चिकनापन है, चिकनापन बहुत अच्छा है, और चिकनापन जो अगर पैंट के अंदर होगा और क्वालिटी उसी के अंदर चमक भी ज़्यादा होगी। ये चमक आता इसमें, जो पैंट है हमारा ये वाला, ये शाइन करता है, मतलब ये चमक देता है, तो चमक इसमें काफ़ी बेहतरीन है। अभी तो गीला आएगा, गीले में तो आपको क्या मैं बता दूंगा, नॉर्मल पैंट में चमक आएगी, सूखने के बाद इसकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन चमक होने वाली है, और ये चमक वाला ही पैंट है। तो देख सकते हो एक रूलर में मैंने काफ़ी सारा एरिया निकाल दिया है, कुछ कम थी 10 फीट कवर कर दिया है, तो काफ़ी एरिया कवर कर रहा है ये। और मैं दिखाता हूँ आगे के लिए, मैंने देखा इसके अंदर कि जो मटेरियल है एक लिमिलेट, जैसे कि हम किसी दीवार पर लिमिनेशन कर देते हैं तो इसमें क्रैक्स जो बनते हैं ना वो क्रैक्स भी नहीं आते इसके अंदर, जो क्रैक्स से होते हैं दीवार के अंदर बन जाते हैं वो भी नहीं आते। दूसरी बात, इस पेंट की वारंटी आती है आपको 5 साल की। अगर इस कंपनी जो हमारी ब्रिटिश कंपनी है, अगर इस कंपनी का आप पेंट यूज करते हो तो इसकी जो वारंटी है वो 5 साल की आती है। तो इस डब्बे पर लिखी है, ये देखिए, ये थोड़ा जूम करके दिखवा देता हूँ आपको मैं, ये देखिए कि 5 साल तक इसमें क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे, और 5 साल ये गारंटी देता है। तो इसमें लिखू भी है 5 साल वारंटी, ये आप खुद देख लीजिए। तो अच्छा प्रोडक्ट है, बढ़िया है, और इसको इस्तेमाल करिए, और मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस हमारा पहला कोट हो चुका है और बहुत अच्छी बेहतरीन फिनिशिंग आई है। आप देख सकते हो दीवार में कि जो अंदर का जो वाइट पन, जो प्राइमर था हमारा, वो पूरा अच्छी तरह से कवर हो चुका है, और पर्पल कलर हमने बनाया, बेहतरीन कलर है हमारा। और दीवार की जो फिनिशिंग है और स्मूथिंग, अभी तक गीली दीवार है, बहुत अच्छी लग रही है। अभी देखते हैं दूसरे कोट में क्या इसकी फिनिशिंग आती है, वो मैं आगे बताता हूँ। तो देख सकते हो गाइस अभी फिलहाल ये कोट लगाया था मैंने, और हाइडिंग भी बहुत अच्छी आई इसकी, हाइडिंग जो है अंदर की कवरिंग होती है इसकी, जो ये चीज़ अच्छी आई है, अंदर का बहुत कम बेस दिख रहा है, तो इसके अंदर हाई ग्लोस चमक भी है। तो अभी क्या करते हैं, दूसरा कोट लगाने जा रहे हैं इस पर, और देखते हैं इसकी फिनिशिंग क्या आती है दूसरे कोट में, और क्या इसकी जो शाइन है, जो मतलब ग्लोस, जो इसकी शाइन है, चमक है, वो कितनी आएगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि दो कोट में बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है, और जो अंदर की जो कमियां हैं वो सारी छुप चुकी हैं, कवर हो चुकी हैं, और जिसकी हमने जो बात करी थी कि 140 फीट या 150 फीट कवर करेगा, तो बात झूठी नहीं है, वो सही है, 150 फीट एरिया कवर कर रहा है एक लीटर। ये आप देख सकते हो, ये दीवार मैंने पूरी कर दी है, और ये दीवार हमारी 100 फीट की है, और अभी मटेरियल हमारे पास 50 फीट का भी पड़ा होगा मटेरियल, अभी हमारे पास काफ़ी सारा पड़ा है, ये देखिए। तो
मतलब 150 फीट एरिया कवर हो जाएगा ठीक ठाक। तो फाइनली अभी आपको मैं दीवार दिखाता हूँ फाइनली किस तरह से आ रही है थोड़ा क्लोज करके इसको सूखने के बाद। तो गाइस देखा गया आपने, मैंने इस पर 2 कोट पूरे कर दिए हैं और दीवार हमारी अच्छी खासी पूरी सूख गई है और एकदम लुक जो है इसकी और जो चमूथिंग है अच्छी खासी फिनिशिंग आ गई है और एकदम मकबर लुक है और हाथ लगाने में ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी स्मूथ है। और जो फिनिशिंग की हम बात करते हैं फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो शाइनिंग थी वो भी अच्छी खासी शाइनिंग है। तो मैं दिखाता हूँ आपको साइड से कि शाइनिंग इसमें कितनी है। जो फाइनल में दीवार हमारी इस तरह की है जैसे कि आप देख रहे हो, इसके अंदर जो चमक है वो जो शाइनिंग है तो कैमरे में सारा देख ही रहा है, और फिनिशिंग है वो बहुत बढ़िया आई है, बहुत अच्छी लुक आई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसकी दोबारा दूसरी एक वीडियो और बनाने जा रहा हूँ मैं ब्रिटिश की, तो इसके बाद वो ब्रिटिश की आपको वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।